भारत यूं तो दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरियत है, लेकिन जब यहाँ वोट देने की बारी आती है तो मजहब और जात की सियासत डेमोक्रेसी के सिर चढ़कर बैठ जाती है, और इस सियासत का असली जंगी मैदान है यूपी। यहाँ हर कोई आपके नाम की टाइटल पूछकर और कभी कभी तो सिर्फ नाम से ही आपकी मजहबी पहचान जाने या बता देगा कि आप किसके वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मजहब और जात की सियासत तेज हो गई है। यूपी में पसमांदा मुसलमानों को बीजेपी और बसपा अपने अपने पाले में लाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बलदियाती इंतखाब और लोकसभा इंतखाब से पहले मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। हर पार्टी इसके लिए पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने यूपी के कई शहरों में पसमांदा सम्मेलन किया, जिसका महज एक मकसद मुसलमानों को बीजेपी की जानिब रागिब करना था। बीजेपी के पसमांदा प्लान को लेकर जमकर सियासत भी हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा था, और एक बार फिर से बीएसपी चीफ मायावती को बीजेपी का पसमांदा प्लान खटक रहा है। पसमांदा मुस्लिम तबके की ओर बीजेपी का बढ़ता झुकाव देखकर इतवार को मायावती ने जोरदार हमला बोला। अपने यौमे पैदाइश के मौके पर मायावती ने बीजेपी को पसमांदा मुखालिफ बताया। बीजेपी के शासन काल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। जिन पर पर्दा डालने व लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही अब ये पार्टी आए दिन नई नई व हवा हवाई घोषणाएं करने एवं निवेश लाने के नाम पर भी किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि करने का ही सहारा ले रही है, तथा जिनसे जमीनी हकीकत में यहाँ के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ भी खास लाभ होने वाला नहीं है। बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाब में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का हदफ लेकर चल रही है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि बिना मुसलमानों को साथ लिए यह हदफ हासिल नहीं हो सकता, और यही बात बीएसपी को भी समझ आ गई है कि अगर पसमांदा बीजेपी की तरफ रुख कर गए तो बीएसपी के लिए खतरा है। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम, और तमाम शौचालय हो या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसमांदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है, और शायद इब्राहिम दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं, चंदा उगाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही है। पसमांदा यानी मुसलमानों के पिछड़े तबके की उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की कुल आबादी में 85% हिस्सेदारी मानी जाती है। यहाँ मुसलमानों की 41 जातियाँ इस तबके में शामिल हैं। इनमें कुरैशी, अंसारी, सलमानी, शाह, मंसूरी और सिद्दीकी अहम हैं। बीजेपी ने इस बड़े तबके को अपने पाले में लाने के लिए जगह जगह पसमांदा सम्मेलन किया। पार्टी ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले बलदियाती इंतखाब में वो मुसलमानों को भी टिकट देगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पसमांदा मुस्लिम पॉलिटिक जोर पकड़ चुकी है। एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर पसमांदा मुसलमानों की रहनुमा होने का दावा किया और बीजेपी को जमकर घेरा। ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने पसमांदा सम्मेलन कराकर उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुस्लिम पॉलिटिक्स को जोर दे दिया है। यूपी में मुस्लिम अक्सरियत जिलों में पसमांदा मुसलमानों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी और बीएसपी दोनों ही मशक्कत कर रही हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि आने वाले इंतखाबात में पसमांदा कार्ड के जरिए क्या सियासी गुल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।